Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. हेलो मॉमीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम देखेंगे ग्रेड वन स्टूडेंट्स को आप नाउन कॉन्सेप्ट कैसे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकती है और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकती हैं ताकि एक ही बारी में वो नाउन की डेफिनेशन याद कर ले। जनरली बच्चों को नाउन डेफिनेशन दी जाती है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग विद सिंपल एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू पर्सन प्लेस थिंग। उसके बाद उनको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जहां पे उनको नाउन आइडेंटिफाई करना होता है। सो नाउन की डेफिनेशन याद दिलाने के लिए हम डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे पर्सन प्लेस और थिंग में। इस तरह का ऑरेंज चार्ट या कोई भी कलर का एक चार्ट आप बुक में लगा दीजिए और जो मेन वर्ड्स हैं डेफिनेशन में पर्सन प्लेस थिंग उन तीनों की एक एक फ्लिप यहाँ पे बनाइए और हर फ्लिप के नीचे एग्जाम्पल्स बच्चे को लिख के दीजिए। ड्राइंग भी मैंने यहाँ पे बनाई है ताकि जब भी बच्चे को नाउन की डेफिनेशन याद करनी हो या लिखनी हो एग्जाम में बस उसको ये चार्ट याद आ जाए और सिंपल से वर्ड्स जो बोल्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं पीपल पर्सन थिंग वो उसको याद आ जाए और डेफिनेशन वो रिकलेक्ट कर ले। हर फ्लिप के नीचे मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप बच्चे को लिखने के लिए कह सकती हैं। इस तरह से थिंग्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकती हैं। इस तरह से सिंपल सा चार्ट बनाइए ताकि उनको डेफिनेशन एक ही बारी में याद हो जाए। बच्चों को ड्राइंग रिलेटेड जब हम सिखाते हैं ना तो बच्चों को बहुत लॉन्ग टर्म तक ये याद भी रहेगा। इसके बाद जैसे मैंने कहा हमने डेफिनेशन को ब्रेक किया है पर्सन प्लेस थिंग्स में, तो इन वर्ड्स की एग्जाम्पल्स इन चीजों के एग्जाम्पल्स हम बच्चों को देंगे ताकि वो समझ पाए। जैसे कि थिंग्स आप यहाँ देख रही हैं, ऑल थिंग्स हैव नेम्स, जो भी चीज वो अपने अतराफ देखते हैं थिंग्स हर चीज का नाम होता है, टेबल बैग पेन ब्रश, इस तरह से आप एक्सप्लेन करिए। इसी तरह से अपने आसपास वो जितने भी लोग देखते हैं सबके नेम्स होते हैं, फादर गर्ल फार्मर पोस्टमैन, इस तरह से। देन ऑल प्लेसेस हैव नेम्स, लाइब्रेरी स्कूल ऑफिस किचन सी गार्डन। Then all animals also have names, deer monkey eagle lion। So things peoples places animals इन सबके जो भी names वो sentences में देखेंगे वो noun होंगे, वो उनको आप explain करिए। इसी तरह से एक simple exercise आप बच्चे को करा सकती हैं, underline words that name people, यानी इन sentences में जो people है उनके नेम को उन्हें identify करना है जो कि noun बनेगा। So यहाँ पे baby noun है, A baby is in the cot, so baby यहाँ पे noun है। इसी तरह से grandpa, grandpa loves to bake, so grandpa यहाँ पे noun है। ये examples है people के। इसी तरह से places example आप दीजिए, Pam went to zoo, तो zoo is a place। Children are swimming in the sea, sea is a place, इस तरह से। Then underline words that name animals, यहाँ पे animals एनिमल नाउन को उनको आइडेंटिफाई करना है, द डॉग इज बार्किंग सो डॉग इज अ नाउन हियर एनिमल हियर, द बेर लव्स हनी बेर इज एन एनिमल हियर, इस तरह से। अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम थिंग्स, दिस इज अ ब्लू पेन, पेन इज अ थिंग हियर, इसी तरह से आई हैव ए बलून सो बलून इज अ थिंग हियर। सो पहले हम बच्चों को थिंग्स एनिमल्स और प्लेसेस पीपल इन वर्ड्स की डेफिनेशन समझाएंगे, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, फिर वो अपने आप नाउन आइडेंटिफाई करने लगेंगे। एक और एक्सरसाइज रिलेटेड टू पर्सन एनिमल थिंग्स यहाँ पे आप देख सकती हैं। आप एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दीजिए और बच्चे से कहिए अगर वो पर्सन है तो पी लिख दे, एनिमल है तो ए लिख दे, थिंग है तो टी लिख दे। जैसे कि एम एम मैंगो, तो मैंगो इज अ थिंग हियर सो यहाँ पे टी जाएगा। इसी तरह से अंकल पर्सन है तो पी यहाँ पे वो लिखेंगे, कैमल एनिमल है, आंट पर्सन है, ट्रे थिंग है, इस तरह से। क्रो एनिमल है, लिजर्ट एनिमल है, पोस्टमैन पर्सन है, बस थिंग है और ड्रम थिंग है, इस तरह से। तो इन एक्सरसाइजेस से बच्चों को पर्सन एनिमल थिंग्स की जो वेरियस एग्जाम्पल्स होती हैं वो आप सिखा सकती हैं। राइट द नाउन्स बिलो इन टू द करेक्ट कॉलम, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चे को छाट कर सॉर्ट करके एक एक कॉलम में, पर्सन रिलेटेड कॉलम प्लेस रिलेटेड कॉलम एनिमल रिलेटेड कॉलम थिंग रिलेटेड कॉलम उनको लिखने हैं। जैसे कि टीचर जाता है यहाँ पर, टी ई ए सी एच ई आर टीचर, देन
एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाता है यहाँ पर, फिश फिश जाएगी यहाँ पर, इसी तरह से थिंग सॉक जाएगा यहाँ पर, इस तरह से सॉर्ट करके हर कॉलम में उनको लिखने के लिए कहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए कि ये वर्ड्स पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है। इसके बाद जब बच्चों को पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना आ जाए, आप नाउन रिलेटेड एक्सरसाइज उनको दे सकती हैं। सर्कल द नाउन्स इन द बिलो बॉक्स, बच्चे को एक्सप्लेन करिए, चाहे वो प्लेस देखे, चाहे वो पर्सन देखे, चाहे वो थिंग देखे, चाहे वो एनिमल नेम देखे, वो नाउन ही होता है और उस वर्ड को उनको सर्कल करना है। सो यहाँ पे यंग नाउन नहीं है, कोल्ड हॉट नहीं है, टाइगर, टाइगर एनिमल नेम है जो कि नाउन होता है, सो हम यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। इसी तरह से डॉग, गोट, आईसी नो, हॉर्स यस, डार्क अंधेरा नहीं, ग्रास यस इट्स अ थिंग, सो इसको हम सर्कल करेंगे। शार्क नहीं, गर्ल ये नाउन होता है, लेक ये भी नाउन होता है, ओल्ड नहीं होता, फास्ट नहीं होता, वेट नहीं होता, स्लो नहीं होता, वास फ्लावर वास जैसे के होता है ये है नाउन, ब्राइट नहीं होता, फास्ट नहीं होता, जू होता है नाउन, इसी तरह से बोट होता है नाउन जो कि थिंग है, देन बेयर होता है नाउन जो कि एनिमल है, टेबल इसी तरह से, देन स्टूल, सो ये सारे नाउन्स है इस बॉक्स में बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए। इसके अलावा जब डेफिनेशन आप ब्रेक कर रहे हो, आप चाहे तो बच्चों को अपने खुद के एग्जाम्पल्स देने के लिए कहिए, रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, थिंग्स में वो अपने टॉयज का नेम्स लिख सकते हैं, एनिमल्स तो बच्चे पहचानते हैं तो वो एनिमल्स के नेम यहाँ लिख सकते हैं, प्लेसेस में वो चाहे तो अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस लिख सकते हैं, जहाँ पे वो खुद रहते हैं सिटी, उस सिटी का नेम लिख सकते हैं, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, इस तरह के एग्जाम्पल्स उनको दीजिए और लिखने के लिए कहिए। पर्सन मदर, फादर, डॉक्टर, इस तरह से गार्डनर, इन सारे एग्जाम्पल्स को उनको बताते रहिए और उनको खुद आइडेंटिफाई करने दीजिए और खुद एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने के लिए कहिए। इस तरह से बच्चे को मोटिवेट करिए ताकि वो नाउन को आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से। इसके बाद जब बच्चों को नाउन का डेफिनेशन याद हो जाए, वो नाउन आइडेंटिफाई करने लगे, आप उनको सेंटेंसेस दे सकती हैं जहां पे उनको नाउन आइडेंटिफाई करना है। अंडरलाइन नाउन्स इन द सेंटेंस बिलो, यहाँ पे मैंने सेंटेंस दी है सिंपल सी जिसमें उनको नाउन आइडेंटिफाई करना है। द कार हैज फोर व्हील्स, यहाँ पे मैंने टू लिखा है, मतलब कि इस सेंटेंस में दो नाउन्स हैं जिन्हें उनको आइडेंटिफाई करना है, दो नाउन्स हैं यहाँ पर। सो द कार हैज फोर व्हील्स, कार नाउन होता है और व्हील्स नाउन होता है। इसी तरह से द लायन इज इन हिज डेन, दो नाउन्स हैं यहाँ पे, लायन एंड डेन। द डॉग एंड द किटन प्ले विद द बॉल, यहाँ पे थ्री नाउन्स है, डॉग, किटन एंड बॉल, इस तरह से। इस तरह से आप उनको सेंटेंसेस दीजिए, अपने खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस दीजिए और उनको घर पे प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो नाउन्स आसानी से आइडेंटिफाई करने लगे। जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स आप उनको देंगी उतना वो क्लियर होंगे नाउन आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे कि बच्चे को अगर आप कभी पूछे क्या किचन नाउन है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि किचन नाउन है या नहीं। इसी तरह से अगर आप पूछेंगे क्या सी नाउन है, एस ई ए सी, सी नाउन है, तो वो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। सो जितने एग्जाम्पल्स आप उनको देंगे उतना वो याद रखेंगे और इस चार्ट की हेल्प से उनको नाउन डेफिनेशन भी अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये पिक्टोरियल डेफिनेशन है जहां पे बोल्ड में जो वर्ड्स आपने लिखे हैं इसको देखकर, इसको याद रखने से बच्चे को डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.